लोग आए के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कराची स्ट्रीट्स वन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज हम बर्गर की दुकान पे आए हैं, और ये बर्गर की दुकान है पाक कॉलोनी मेन बिस्मिल्ला होटल पर वाक़ है ये दुकान। और क्या नाम है भाई आपकी दुकान का? सादिया बर्गर। ये लो भाई, सादिया बर्गर। नाम क्या है भाई जान आपका? मोहम्मद जमील। क्या नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब हैं। और मोहम्मद जमील साहब ने ये बर्गर कितने का दे रहे हैं आप? 60 रुपये का भाई सर। 60 रुपये का बर्गर दे रहे हैं ये। और माशाल्लाह इसकी आप सेटअप देखें, बेहतरीन सेटअप है ये इनका। और कितने अर्से से लगा रहे हैं ये दुकान आप? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इनका। पहले कितने का देते थे आप? पहले स्टार्टिंग में हमने 40 का दिया। 40। और अभी कितने का दे रहे हैं? सादा बर्गर 60 रुपये का दे रहे हैं। ये तो आप मतलब काफ़ी कम कीमत पे दे रहे हैं। अभी भी ये मार्केट में 70-80 रुपये तक, 100 रुपये तक का बिक रहा है ये। क्या वजह है? ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, उनको के लिए हमने शॉप खोली हुई है। अच्छा, इसमें कितने बर्गर निकल जाते हैं माशाल्लाह आपके? हमारा 100-150 बर्गर निकल जाता है माशाल्लाह। तो इसमें कितने तक की बचत होती है आपकी? हमारे को अल्लाह का शुक्र है 2-3 हज़ार रुपये बचत है जी। 2-3 हज़ार रुपये बचत। 2-3 हज़ार रुपये बच जाता है माशाल्लाह। देखें, सादिया बर्गर की बिरयानी भी है और सादिया बर्गर वाले भी है। ये मेन बिस्मिल्ला होटल पाक कॉलोनी पर वाक़ है ये। और इनका जो क्वालिटी आप नाज़रीन क्वालिटी चेक करें, VIP बर्गर है ये। और 60 रुपये के अंदर जो है वो आपको इस तरह का बर्गर जो है वो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। लोग भी देखें मज़े ले लेकर खा रहे हैं, केचप भी साथ में। और इसका रायते की क्वालिटी चेक करें, ये रायता जो है वो इतना गाढ़ा रायता जो है वो आपको मिलेगा नहीं। ये देखें, ये जो रायता है ये आप देखें, इसमें मायोनीज़ भी डाल रहे हैं। ये मायोनीज़ भी डाल रहे हैं आप? जी भैया, मायोनीज़ है। और ये जो है साथ में जो है इनका ये क्या चीज़ है? ये प्याज और पुदीना है। और ये गोभी है, बंद गोभी का बना रहे हैं। और आपका ताल्लुक कहाँ से है पंजाब में? जी मेरा ताल्लुक KPK से। किधर से? KPK से। ये KPK से आप माशाल्लाह अपने रोज़गार के लिए आए हैं। ये दुकान रेंट की है आपकी या ये? रेंट की है। कितना रेंट देते हैं आप? 40,000। 40,000 रुपये की। देखें नाज़रीन, 40,000 रुपये इस उसमें निकालना आसान काम नहीं है। तो ये भाई जो है बहुत इकोनॉमिकल रेट में ये चीज़ें फराहम कर रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बर्गर की लाइन लगी हुई है। और 150 से 200 बर्गर ये निकाल देते हैं। 1,000 से 2,000 रुपये की इनकी आमदनी है। अब ये देखें इन्होंने बने बनाए जो इनके क्या नाम है कबाब हैं, शामी कबाब। गोश्त तो नहीं होता, दाल के कबाब होते हैं। सही है, गंदा गोश्त डालने से बेहतर है कि बंदा दाल का बना ले। आजकल आपको पता ही है कि गंदे दाल के बर्गर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये मैं बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये मेन बिस्मिल्ला होटल की उस पर आएंगे आप पाक कॉलोनी पे, बिस्मिल्ला होटल का ये शॉप है। इधर आपको शाम की एक फूड स्ट्रीट है ये। आप देखें बर्गर छोले और मुख्तलिफ तरह के आइटम मिल रहे हैं आपको। ये पूरी स्ट्रीट है पाक कॉलोनी की, ये पूरी स्ट्रीट है। ये देखें इन्होंने जो है वो आपको अपना ये दिन में कितने बजे दुकान खोलते हैं आप? सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं। और रात को कितने बजे बंद होते हैं? 11 बजे जो है वो दुकान को बंद कर देते हैं। देखिए क्वालिटी चेक करें, तेल कितना महंगा है। और ये फुल तेल में डिप करके और जो है वो भाई 11 बना देना। सही है, तो ये बर्गर जो है वो बना रहे हैं और लोगों को पेश कर रहे हैं। ये खिदमत कर रहे हैं कितने दूर से आए हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये बारगेनिंग नहीं करते हैं। अगर 60 है तो अगर कहीं 50 है तो 50 में भी दे देते हैं, 40 में भी दे देते हैं। तो ये इनकी जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। और तो ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। और देखें नाज़रीन, बेहतरीन तरीके की फूड स्ट्रीट चल रही है और लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं इनके बर्गर से। और ये देखें कबाब जो है इन्होंने तलना शुरू कर दिए हैं। और अब ये जो है वो कबाब चले जा रहे हैं। और नाम दोबारा बता दें आप, एड्रेस बताएं अपना। मोहम्मद जमील। जोर से मोहम्मद जमील। अच्छा, कहाँ है आपका ये जी? कहाँ है आपका वो
वो बताएं जरा। बिस्मिल्लाह होटल से। अच्छा, मोहम्मद जमील साहब हैं, आप आइए और लुत्फ़ दोज हों इनकी चीज़ों से और इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ आए। उन्होंने बेहतरीन वी आई पी सेटअप बनाया है, मैं ऐसा सेटअप भी दिखा दूँ उनका, ये इनका खाने का सेटअप है और ये जो है लाइटिंग वगैरह इन्होंने फुल डेकोरेट करी हुई है। दुकान 40,000 रुपये की दुकान का रेंट है और रायते की क्वालिटी चेक करें, वी आई पी रायता डाल रहे हैं, 12 बना रहे हैं ना, 11 वी आई पी रायता बना रहे हैं और ये इनकी क्वालिटी है नाज़रीन। देखें आप लोगों से इल्तिमास है कि आप इसकी खुद भी आएँ, अपने बच्चों के साथ भी आएँ और ये देखें रायता जो है वो गाढ़ा रायता है, ये सबसे बड़ी बात जो है गाढ़ा रायता है और ये प्याज दाल में ऐसा बर्गर जो है वो 100 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा, 80 रुपये का तो कम अज़ कम रेट चल ही रहा है और इतना माल डालने के बाद जो है 80 रुपये का रायता ये आपको मिलेगा। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि आप अपने खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आइए और दोनों बराबर में जो है वो एक शरबत की दुकान है। ये फुल आइडियल जगह है और क्या 11 ही कर दो भाई, सही है बस क्या है ना वो फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा। वेल डन, आई थिंक दिस इज़ आवर आइडियल प्लेस फॉर एवरीवन। आइए अपने बच्चों को भी लेकर आए, एंजॉय करें, सफाई का देखें कितना ख्याल रख रहे हैं और अभी हाथ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखें ऊपर से ये मायोनीज डाल रहे हैं और इसको मिक्स देखें करेंगे शॉपर पहन के, सबसे बड़ी जो नहीं है बेटा। देखें उन्होंने मिक्स करा और अभी मायोनीज से लदी हुई 60 रुपये का टोटल मसाला, हमारे में भी तेज कर देना। आइए अपने बच्चों को भी लेकर आए, 60 रुपये 60 रुपये आइडियल बर्गर फॉर ऑल। बेहतरीन, देखें नाज़रीन ये बेहतरीन बर्गर को तैयार कर रहे हैं केचप से लदा हुआ और उम्मीद है आप इनकी वीडियो देखकर जो है वो आएंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे और मसाला तेज़ कर दिएगा, मसाला जो है वो तेज़ कर रहे हैं ये अब। आपके कबाब में शायद मसाला तेज़ होता है, हल्का रखते हैं आप? कबाब में मसाला तेज़ होता है, तेज़ होता है, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, हल्का मसाले वाला भी तेज़ मसाले वाला भी। अब जो है ये बर्गर तैयार है नाज़रीन, खुद भी आए अपने बच्चों को भी लेकर आ जाए तो मज़े करें आप लोग सब।